Assalamu alaikum, my dear students. My name is Neha Faisal. I am your social studies teacher of grade 4. I welcome you all on the platform of Digital Academics provided by Moonlight International Publisher. Well, student, today we will study unit number 1 and the name of this chapter is Citizenship. But in this video, we will only talk about conflict. प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाती हूँ। दो बहन भाई थे, जिनमें से बहन का नाम आमना जबकि भाई का नाम साद था। साद की बर्थडे पे उसके दादा जान ने उसे एक खिलौना गिफ्ट किया जो कि साद को और उसकी बहन दोनों को बहुत ज्यादा पसंद था और वो दोनों चाहते थे कि वो इस खिलौने से खेलें। और वो शाम को रोजाना इस बात पर लड़ाई करते थे कि वो इस खिलौने से खेलना चाहते हैं। लेकिन एक दिन जब उनकी अम्मी ने ये बात सुनी तो उन्होंने कहा कि हमें रोजाना लड़ाई नहीं करनी चाहिए और इस मसले का हल निकालना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप लोग मुझे बताएं कि यहाँ पर मसला क्या है, व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट। तो प्यारे बच्चों, क्या आप लोग जानते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट होता क्या है? माय डियर स्टूडेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट इज अ डिसएग्रीमेंट। तो अब आप लोग मुझे बताएं कि इस स्टोरी में कॉन्फ्लिक्ट क्या है? तो प्यारे बच्चों, इस स्टोरी में कॉन्फ्लिक्ट ये है कि दोनों बहन भाई एक ही खिलौने से खेलना चाहते हैं। प्यारे बच्चों, क्या हमें ये मसला हल करना चाहिए या दोनों को रोजाना लड़ाई करने देनी चाहिए? जी नहीं, हमें ये मसला हल करना चाहिए और उन दोनों को लड़ाई नहीं करने देनी चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट कॉज इंस्टेबिलिटी इन द सोसाइटी। प्यारे बच्चों, अगर हम एक दूसरे से लड़ाई करेंगे तो हमारा एक दूसरे पर यकीन ख़त्म हो जाएगा। चाहे अगला बंदा कितना ही सच क्यों ना बोल रहा हो, हमें लगेगा कि नहीं, ये तो झूठ बोल रहा है। क्यों? क्योंकि ये तो हमेशा लड़ाई करता रहता है, ये सच कैसे बोल सकता है? प्यारे बच्चों, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि लोग एक दूसरे का कत्ल कर देते हैं क्योंकि वो एक दूसरे से लड़ाई कर रहे होते हैं, या सिर्फ लड़ाई की बुनियाद पर हम किसी इंसानी जान का कत्ल कर देते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, इंसानी जान बहुत कीमती है, हमें किसी को भी मारना नहीं चाहिए। और आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि अगर किसी की किसी से लड़ाई होती है तो वो उसका घर, उसकी कोई भी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है या उसको तबाह कर देता है। तो प्यारे बच्चों, इससे आपका ही नुकसान होता है। कॉज ऑफ वॉर। सम पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज बिटवीन टू कंट्रीज, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ वॉर। नेक्स्ट पॉइंट इज कंफ्यूजन। पीपल बिकम कंफ्यूज्ड एंड वरीड इन अ सोसाइटी, दे मे लूज देयर मेंटल पीस। एंड द लास्ट पॉइंट इज revolutionary results. A society starts declining where dispute grows strong. Now, my dear students, I will tell you about how you can resolve your conflicts. Number one, expression of patience and tolerance. People should be patient and tolerant while dealing with other people. Solution through compromise. Compromise means that in a dispute, both parties settle their issue by social contract which ends the conflict. Next point is ending cause of dispute. प्यारे बच्चों, अगर हमें यही नहीं पता चलेगा कि मसला क्या है तो क्या हम मसले का हल निकाल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अगर हमें ये पता ही नहीं होगा कि असल मसला क्या है तो हम मसले का कभी भी हल नहीं निकाल सकते और इस तरह हमारी लड़ाई मजीद बढ़ती जाती है। In such cases, both parties have to act on give and take policy. Next point is म्यूचुअल कम्युनिकेशन। प्यारे बच्चों, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि दो दोस्त जब आपस में लड़ाई करते हैं तो वो एक दूसरे से बातचीत करना बंद कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये बहुत बुरी बात है। अगर आप किसी से लड़ाई करते हैं तो बातचीत करके मसाइल का हल निकाला जा सकता है। अगर आपको उसकी कोई चीज़ बुरी लगी है तो आप उसको बता सकते हैं कि मुझे ये तुम्हारी चीज़ बुरी लगी है, और इस तरह आप दोनों की लड़ाई भी ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज स्किल टू रिजॉल्व अ प्रॉब्लम। प्यारे बच्चों, अगर आपका अपनी किसी क्लास फेलो के साथ लड़ाई झगड़ा है, फॉर एग्जाम्पल आप दोनों स्कूल जल्दी आते हैं क्योंकि आप अपने टीचर के साथ वाली सीट पर बैठना चाहते हैं, लेकिन आपका दोस्त बेरोज़ाना इसीलिए जल्दी आता है कि वो उस सीट पर बैठना चाहता है, और इस वजह से आप दोनों लड़ाई करते हैं, तो प्यारे बच्चों, क्या इसका असर दूसरे बच्चों पर अच्छा पड़ेगा? क्या वो बच्चे आपको पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं, पूरी क्लास आपको पसंद नहीं करेगी, बल्कि वो ये कहते हैं कि इस मसले का हल निकालें, या आप एक दिन एक बच्चा बैठ जाए और दूसरे दिन दूसरा बच्चा बैठ जाए, या जो सबसे पहले आए वो टीचर के साथ चेयर पे बैठ जाए। वेल स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल आई हैव फॉर टुडे। वी विल स्टडी आवर नेक्स्ट टॉपिक इन आवर नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।